कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ। सासाराम का बरादरी मोहल्ला को किया गया सील। 1 किलोमीटर के दायरे में आने जाने पर लगा प्रतिबंध। मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बरादरी मोहल्ला में लगातार कर रही है फ्लैग मार्च। मोहल्ला में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक सामानों की होगी होम डिलीवरी। सासाराम से सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट। सासाराम के बरादरी मोहल्ला में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद शहर में सतर्कता व सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बरादरी मोहल्ला के 1 किलोमीटर के दायरे में आने जाने पर प्रतिबंध लगाकर इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। लोगों को अपने अपने घरों में रहने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी लेने के लिए आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा स्क्रीनिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। स्क्रीनिंग के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस मोहल्ले में कितने लोग बाहर से आकर ठहरे हुए हैं। प्रशासन का ध्यान इस पर भी है कि इस दौरान बरादरी मोहल्ला में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार के आवश्यक सामानों की दिक्कत उठानी नहीं पड़े, इसके लिए प्रशासन के द्वारा सामानों का होम डिलीवरी कराने का निर्णय लिया गया है। ये जो है एक सूचना मिली थी, एक आदमी जो कोरोना से ग्रसित हो गया है उसको लेकर के यहाँ पूरा इलाका सील, 1 किलोमीटर का एरिया सील किया गया है।